अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरीदास किचन। आज मैं आपको चिकन लॉलीपॉप बनाने की रेसिपी बताऊंगी। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए चिकन को मैंने काट के लॉलीपॉप निकाली। 10 लॉलीपॉप बनाएंगे आज हम। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। इसके लिए हमें चाहिए दही, 1-3 चम्मच दही मैंने ली, और ये कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच भर के, और सोया सॉस है, और मैदा है ये भी 2 चम्मच है, और ये विनीगर है 1 चम्मच, और 1 अंडा, और मसाला हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, कश्मीरी मिर्ची 2 चम्मच, ये कलर के लिए ले, झाड़ नहीं रहेगा इसमें। अब इसे मैरिनेट करेंगे। उसके लिए पहले मैंने दही ऐड कर दी उसमें, जितना दही लाए सब ऐड कर देंगे उसमें। फिर जो अदरक लहसुन का पेस्ट रखी थी मैं, उसे भी ऐड कर देंगे, और जो मैदा रखी थी मैं वो भी ऐड कर देंगे, और एक कॉर्नफ्लावर रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। आप लोग मांगता आप लोग चावल का आटा भी डाल सकते हैं, और क्रिस्पी मांगता तो। और जो 1 चम्मच विनीगर रखी थी वो भी ऐड कर देंगे, इसका जगह आप लोग नींबू भी डाल सकते हैं, और सोया सॉस 1 चम्मच डालेंगे, और जो मसाला मैंने सब बताई थी वो सब ऐड कर देंगे उसमें। आज 1 अंडा है, 1 अंडा को भी तोड़ के डालेंगे। नमक अपना हिसाब से डालें, सोया सॉस में भी नमक रहता। अभी सबको अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम अच्छे से मिला दिए, इसे अब आधा घंटा के लिए हम रख देंगे। आप लोग ज़्यादा दिन के ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, आधा घंटा के लिए रख के उसके बाद हम फ्राई करेंगे। इस मसाला अच्छे से पकड़ लेगा। अब चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने तेल गर्म में रखेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने दे। अब तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसे मीडियम में कर देंगे हम गैस को, और उसमें एक एक लॉलीपॉप को डाल के हम डीप फ्राई करेंगे। अच्छे से मसाला कोट करके डाले थे। गैस को तो मीडियम में रखें, ज़्यादा जोर मत रखें। अब हमारा चिकन 1 सेट लाल हो गया है, अब इसे हल्का हल्का पलटी करेंगे, दोनों सेट एकदम क्रिस्पी होने तक लाल करेंगे। दोनों सेट अच्छे से लाल करना। अब चिकन हमारा लाल हो गया, इसे निकाल देंगे। अब इसे थोड़ा मसाला में बनाएंगे, तो जो तेल में मैंने इसको फ्राई किया वही तेल थोड़ा ऐड करेंगे उसमें। तेल हमारा गर्म हो गया है, 1/2 चम्मच में जीरा ऐड करेंगे हम। एक चम्मच भर के लहसुन को मैंने काट बारीक चॉप करके रखी वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा प्याज है उसको मैंने बारीक चॉप करके रखी वो भी डालेंगे। इसे ज़्यादा लाल हमें नहीं करना। ये हल्का लाल होने के बाद एक चम्मच कश्मीरी मिर्ची डालेंगे,
कलर के लिए। अब मैंने एक चम्मच चिल्ली सॉस थी वो भी ऐड करेंगे इसमें। गैस को मीडियम में रखें और एक चम्मच सोया सॉस। थोड़ा धनिया पत्ती, और एक चम्मच कॉर्नफ्लावर को मैंने पानी में घोल के रखी थी उसे भी ऐड कर देंगे। ये डालने से थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होएगा ग्रेवी। अब इसमें हल्का से नमक डालेंगे, कि नमक मैंने गोश्त में भी डाली थी और सोया सॉस में भी नमक रहता, हल्का से डालेंगे। अब इसमें चिकन जो रखे हैं फ्राई करके वो ऐड कर देंगे। अब हमारा चिकन लॉलीपॉप बन के तैयार है, उसमें हल्का सा गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। अब हमारा चिकन लॉलीपॉप बन के तैयार है, इसे एक बार ज़रूर बनाइए, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, बच्चे क्या हमें ही बहुत पसंद आएगा। एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा चिकन लॉलीपॉप बताया वाला रेसिपी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।